मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,25,000 के ऊपर पहुंच गया है। सोमवार को प्रदेश में 13,417 नए मरीज मिले हैं, लेकिन 7 दिनों में सबसे कम पॉजिटिविटी रेट 23% से नीचे हो गया। इससे पहले 23% से 25% बीच रहा, लेकिन प्रदेश में मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 98 मरीजों ने दम तोड़ा है और राहत की बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। प्रदेश का रिकवरी रेट 81% हो गया है। अब तक 4,25,812 मरीज कोरोना की जंग जीत चुके हैं। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 59,177 टेस्ट रिपोर्ट जारी हुई और इसमें से 13,417 संक्रमित मिले। रविवार को 54,942 सैंपल की जांच में 12,636 मरीज मिले थे और इस तरह पॉजिटिविटी रेट 23% रहा। पिछले हफ्ते पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ते हुए 25% पर पहुंच गया था और धीरे धीरे इसमें गिरावट आने के बाद 4 दिन से 23% के नीचे आ चुका है। हालांकि छोटे जिलों में संक्रमण कम नहीं हुआ। प्रदेश के 8 जिलों में 200 से 350 के बीच नए संक्रमित मिले हैं और इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। पिछले 24 घंटे में रीवा में 349, बैतूल में 312, रतलाम में 299, नरसिंहपुर में 286, धार में 260, अनूपपुर में 257, पन्ना में 245 और बात करें सतना की तो सतना में 232 नए केस मिले हैं।